Hijo, ja, ja, ja. Kla, kisiki, aka, nurhu. Na, kisiki, aka, nurhu. Na, kisiki, tilka, kararhu. Jo, kisiki, kam, na, asake. Mae, wo, mushte, gubarhu. मेरा रंग रूप बिगड़ गया मेरा यार मुझसे बिछुड़ गया जो चमन खिजा में जो चमन खिजा से उजड़ गया मैं उसी की फसले बहार हूँ और पे फतेहा कोई आए क्यों कोई चार फूल चढ़ाए क्यों कोई आग शम्मा जलाए क्यों मैं वो बेबसी की मजार हूँ मैं वो बेबसी की मजार हूँ मैं नहीं हूँ नगमाए जाफिजा मुझे सुन के करेगा कोई क्या मुझे सुन के कोई करेगा क्या मैं बड़े वियोग का हूँ सदा मैं बड़े वियोग की हूँ सदा मैं बड़े दुखों की पुकार हूँ मैं बड़े दुखों की पुकार हूँ ना किसी की आँख का नूर हूँ ना किसी के दिल का करार आइए हमारे टॉपिक पर आते हैं क्वेश्चन में देखो अगर इंटीग्रेशन के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए साइन रेस टू पावर 5x dx sin to the power 5x dx अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो देखो ये क्वेश्चन वही अपने फॉर्मेशन में होता है sin अगर है उसकी पावर ओड है तो अपन cos पुट करते हैं ठीक है ना तो अपन क्या पुट करते हैं cos पुट करते हैं ये sin पुट करते हैं कैसे पता चलता है देखो इसको मैं एक काम करता हूँ थोड़ा लिख देता हूँ साइन रेस टू पावर साइन फोर साइन टू द पावर फोर इंटू साइन एक्स ठीक है ना अभी मुझे मान लो साइन पुट करना है तो कॉस होना चाहिए तो कॉस तो आएगा नहीं अपने आप से तो एक काम करता हूँ मैं कॉस पुट करूँगा तो साइन है तो इसको कॉस में चेंज कर देता हूँ तो कैसे चेंज करूँगा देखो इसको चेंज करते हैं तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर है ना साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर ये कर सकता हूँ मैं साइन रेस टू पावर फोर को साइन रेस टू पावर फोर को मैं साइन स्क्वायर टू दी पावर टू तो साइन स्क्वायर को लिख देता हूँ टेंथ क्लास का फॉर्मूला है ना वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर यहां से इसको ही लिख दिया और ये जो साइन एक्स है ना इनटू में वो साइन एक्स लिख दिया मैंने ठीक है डीएक्स अच्छा ऐसा क्यों किया मैंने क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है ये डीटी में चले जाएगा ये वन माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा और वन माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा उसके तत्पश्चात हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा रोड मैप बन चुका है बस अब इस पर गाड़ी चलाना बाकी है मेरे दोस्तों इस पर गाड़ी चलाना बाकी है तो देखो चला के देखता हूँ पेन चेंज कर देता हूँ देखो तो मैंने पुट किया क्या पुट किया कॉस एक्स इक्वल टू टी तो कितना हो गया कॉस एक्स का साइन एक्स कॉस एक्स का
माइनस साइन एक्स, तो माइनस में यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं बोलते इसको, पर लगा देते हैं, तो माइनस, अभी देखो ये हो जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या है, ये तो चला गया डी टी में, देखो इसका मतलब ये लिख दिया मैंने डी टी, अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो तो ये क्या आएगा, वन माइनस टू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब टी रेस टू पावर फोर, और ये हो गया डी टी, ठीक है। अभी माइनस छोड़ के इसका माइनस ही ना, ये वाला माइनस ये इसको आप छोड़ दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो डायरेक्ट टी, वन का इंटीग्रेशन तो टी हो गया, अच्छा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया टी क्यू अपॉन थ्री, ठीक है ना, टी क्यू अपॉन थ्री, उसके बाद ये जो प्लस है उस प्लस लिखो टी रेस टू पावर फाइव बाई फाइव, ओके ये हो गया। अब बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, और साथ में एक काम और करो कि टी की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस हो जाएगा टू बाई थ्री, प्लस क्या होगा, इस माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो टी क्या है, टी क्या है कॉस है, तो कॉस क्यूब एक्स, फिर माइनस होगा कि उस माइनस से इस प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, तो वन बाई फाइव को यहाँ लिख देता हूँ, ये हो जाएगा कॉस रेस टू पावर फाइव प्लस सी, तो ठीक है दोस्तों, ये आंसर आ गया आपका। मुझे लगता है इस आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, सब लोगों को समझ में आया होगा मुझे आशा है, इसका डेरिवेटिव कर लेना ये आ जाएगा। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज करते हैं अपन, है ना बच्चों, प्यारे बच्चों, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कोई, देखो ये आया है क्वेश्चन स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड आईएससी बोर्ड में, ये क्वेश्चन आया है, ये लिखा हुआ है वन अपॉन साइन एक्स नीचे आ गया, और इनटू 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 कॉस क्यूब एक्स, ये तो देखो अधिकांश अपन क्वेश्चन ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना उनमें अपन क्या करते हैं, ऊपर से एक स्क्वायर लेके आते हैं, नीचे टेन लेके आते, उस टेन को पुट कर दो तो ऊपर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर को डी टी लिख देंगे अपन, तो इसका मतलब है कि आओ तो इसको डिवाइड कर देता हूँ, पावर कितनी है, तीन है ना, चार पावर से डिवाइड कर, कॉस रेस टू पावर फोर से डिवाइड कर देता हूँ, तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, कॉस रेस टू पावर फोर, है ना, अच्छा नीचे डिवाइड करोगे कॉस रेस्ट पावर फोर, ऐसे नीचे डिवाइड करोगे ना तो कॉस थ्री पावर कट जाएगा, एक कॉस की पावर बचेगी, वो इसके नीचे आके क्या हो जाएगी, टेन हो जाएगी। अब क्या करोगे, सेक रेस्ट पावर फोर को आप ब्रेक कर दो तो ब्रेक करोगे तो सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, अच्छा ब्रेक कैसे किया ये अपने को कैसे पता चला भाई, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर, तो डी टी में चला जाएगा, बट इस सेक स्क्वायर का क्या करेंगे, तो इसको लिख देते हैं अपन टेंथ क्लास का फार्मूला से, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे कितना आ जाएगा टेन एक्स, बस अभी क्या करोगे पुट कर दोगे टेन एक्स इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा सेक स्क्वायर डी टी, तो ये इसका डेरिवेटिव ये होता है, इसका मतलब है कि क्या है वन प्लस टी स्क्वायर, और वो चला गया डी टी में, बट नीचे टी आएगा, इसका मतलब इसे सेपरेट करोगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन टी, और फिर ये हो जाएगा टी। अब इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे लॉग ऑफ टी, टी 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 मतलब टेन एक्स,
टी मतलब 10x प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ टी स्क्वायर अपॉन टू तो 1 अपॉन टू और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस सी। ओके तो मुझे ऐसा लगता है और मुझे ऐसा आशा है और मैं ये समझता हूँ और ये मानता हूँ कि आप लोगों को ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे इसमें कोई डाउट नहीं है। 7 मिनट से ऊपर जा रहे हैं शायद अपन, अभी 10 मिनट में अपना काम फिनिश करता हूँ। देखो अभी लंबे वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ मैं क्योंकि यार कोई देखता नहीं है, एक एक घंटे की वीडियो देखता भी तो आदमी 2-3 दिन लगाता है, इससे अच्छा है कि छोटे छोटे वीडियो देखो, छोटे छोटे 10-10, 15-15 मिनट को उनसे कुछ सीखो। जैसे देखो एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ये है बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मान लो साइन की पावर कितनी आ गई, 7 पावर आ गई और पावर, अभी ये क्या करोगे, दूसरा ही फंक्शन है ही नहीं दूसरा, भाई साइन पुट करो तो कोस आना चाहिए तो कोस साइड में नहीं है, अगर कोस पुट करो तो साइन आना चाहिए वो भी साइड में नहीं है, हाँ पर कोस पुट करो तो साइन आ सकता है। कैसे, अगर इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, एक तो कर देता हूँ पावर 6 में और एक कर देता हूँ पावर एक्स में 1 में, मतलब पावर E1 है इसकी पावर 6 है, 7 पावर हो गई ना, एक्स रेस टू पावर एम प्लस एन इक्वल टू एक्स टू दी पावर एम इंटू एक्स टू दी पावर एन। अभी इसको मैं चेंज कर देता हूँ किसमें चेंज कर देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स का होल पावर 3 और साइन स्क्वायर को लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और ये साइन एक्स को यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अभी देखो इसका डेरिवेटिव ये आ गया है ना, तो इसका मतलब क्या पुट करना चाहिए मुझे, कॉस एक्स इक्वल टू टी, तो क्या आएगा कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी। ओके माइनस उधर लिख दिया डायरेक्ट मैंने, तुम भी ऐसे किया करो, माइनस इसको लिख दो 1 माइनस टी स्क्वायर, सॉरी ये कितनी पावर आएगी 3 है ना, ये 3 ये कितनी पावर हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 पावर, तो इसको लिख देते अपन 3 और ये हो गया डी टी, माइनस मैंने भाग लिख दिया। अब सब लोग तैयार हो जाओ मुझे एक फॉर्मूला बताने के लिए क्या होता है ये, भाई पता चला इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहां आ गए, अभी ये अलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं आता तो इसका मतलब इंटीग्रेशन में नहीं आता, तो चीजें जुड़ी हुई है। अलजेब्रा के फॉर्मूले तो बहुत क्लियर होने चाहिए, मतलब इतने क्लियर होने चाहिए, उन फार्मूलों को आपको ऐसा होना चाहिए कि उन पर डाउट ही नहीं होना चाहिए कि ऐसा होता है तो होता है। ठीक है लिख देता हूँ, चलो मैं प्यारे बच्चों, a³ - b³ - 3a² b++++3ab² लगा दो ये, माइनस a³ - b³ मतलब t² का क्यूब मतलब 6 हो गया, माइनस 3a² मतलब 1 और b मतलब t², फिर आएगा प्लस 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 प्लस, देखो ये प्लस है यहां से 3ab² मतलब टी रेस टू पावर 4 आ गया है ना, बी क्या है अपने पास t², तो उसका स्क्वायर 4। अभी एक काम करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ में अपन इंटीग्रेशन भी कर देते, तो ये माइनस ये हो जाएगा t और ये प्लस टी रेस टू पावर 7/7 और ये कितना हो जाएगा प्लस 3t³/3 माइनस 3 t
टी रेस टू पावर 5/5 और प्लस सी। इसके तत्पश्चात हम क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं। ये वैल्यू किसकी, टी की वैल्यू है कॉस एक्स, तो ये रख दिया कॉस एक्स, ये हो गया 1/7 और कॉस रेस टू पावर 7x प्लस 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 काट दो ये, तो कॉस रेस टू पावर 3 माइनस 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 3/5 और ये हो जाएगा कॉस रेस टू पावर 5x प्लस सी। तो मुझे आशा है, घनघोर आशा है तुम लोगों से, ये जो तीन क्वेश्चन मैंने आपको लोगों को करवाए हैं इनमें कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन सही होंगे और आप लोगों को समझ में आ गए, इसलिए थैंक यू। मैं नहीं हूँ नगमाए जा फिजा, मैं नहीं हूँ नगमाए जा फिजा, मुझे जुल्म के करेगा कोई क्या, मैं बड़े वियोग की हूँ सदा, मैं बड़े वियोग की हूँ सदा, मैं बड़े दुखों की पुकार हूँ। जय श्री राम, थैंक यू, धन्यवाद।